आज हम खड़े हैं वार्ड नंबर 25 के न्यू दुर्गा कॉलोनी में, जो कि पिछले 25 सालों से बसी हुई है। ये आपको हमने भी दिखाया कि ये जो पाइप है, ये पानी का पाइप डला हुआ है, और लेकिन आज तक इस पाइप में पानी नहीं आया है। यहाँ के लोगों को पानी के लिए इतनी परेशानी होती है कि कई बार औरतों को काफ़ी दूर दूर से पानी लेके आना पड़ता है, और बारिश के मौसम में तो इतना बुरा हाल होता है कि जब पानी लेने जाते हैं तो उसके कारण, बारिश में कीचड़ होने के कारण कई बार चोटें भी लग जाती हैं। लेकिन सरकार का आज तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया है। यहाँ पे कई एक साल पड़े हुए इस पाइप को, परंतु इसमें अभी तक कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन तो बहुत दूर की बात है कि यहाँ पे कोई आसपास ट्यूबवेल भी नहीं लगाई गई जिससे कि इस पाइप को जोड़ा जा सके। न्यू दुर्गा कॉलोनी, ये कॉलोनी कितने टाइम से बसी हुई है? हो गए 25 साल हो गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कॉलोनी है, यहाँ की मकान जो है उनकी रजिस्ट्री वगैरह सबकी है? रजिस्ट्री है, मीटर लगे हुए हैं। तो ये जो पानी की पाइप है, इसको पड़े हुए कितना टाइम हो गया? साल हो गया ते पानी दी, साल हो गया पाइप है, पर अजे तक कोई कनेक्शन आना नहीं की। तो पानी के बिना आपको कितनी क्या करते हो? बड़ी दूर दूर से हमें लाना पड़ता है पानी। तो बारिश के मौसम में कैसे करते हो पानी? बस वो किसी से दो डब्बे पानी ले लेते हैं, एक डब्बा ले लेते हैं, गुजार लेते हैं। जब डाली गई थी तो आपको क्या आश्वासन दिया गया था? ये वो बोल रहे थे बस थोड़े दिन के बाद पानी हम चालू कर देंगे। तो ये आश्वासन दिया गया था हमें 24 घंटा पानी मिलेगा, पीने का पानी शुद्ध मिलेगा, लेकिन आज तक कोई यहाँ देखभाल करने भी नहीं आया। जो पाइप का कनेक्शन इधर घर में देना चाहिए वो नहीं हुआ। ये कॉलोनी 25-30 साल हो गया, 25-30 साल हो गया। यहाँ पे मीटर वगैरह सबके लगे हुए हैं? सबके लगे हुए हैं, रजिस्ट्रियां भी पक्की हैं सबके, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पानी का पाइप का कनेक्शन नहीं आया अभी तक। तो सरकार ने कभी इस तरफ आके देखा नहीं? आप लोगों ने इसकी शिकायत की कभी? कर लेंगे कोई है नहीं। आप लोगों ने कहाँ पे जाके इसकी शिकायत की थी कि भाई पानी के लिए परेशानी होती है? आप इसने कॉर्पोरेशन ऑफिस गए, यहाँ आएंगे, कोई भी आएगा, नेता आएगा, हाँ जी, वो कहेगा कि मैं हमारा, आप हमको करिए, मैं आपके साथ खड़े हैं, कॉन्वर्सेशन भी चल रह रहे हैं। आज ये चल रहा है 2024, 25 साल हो गए। ये मेरा नाम है राम निवास, और यहाँ पर जब से आया हूँ जिले आँदे हैं, जिले नेता आँदे हैं, वो कहते हैं मैं 100 खाते हैं, देने कुछ नहीं, हो जाऊगा, जब जाओ आ जाऊगा, बस यही कह के चले जाते, मुड़ के आँदे नहीं। फिर वोटा लेने तो समय आएंगे, वो बाद तो नहीं होंगे। आज तक तो लगा नहीं, पानी आया नहीं इसमें, ना तो कोई आसपास में ट्यूबवेल लगा। तो ऐसे बातें तो करते हैं, मत जब ही चालू हो जाए, लग जाए, तभी हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर ही काम हो रहा है। कह देते हैं भगवान मान जी ने कहे हैं जो कि आपको घरे घर जाएंगे अफसर लोग ने, मज आज तक यहाँ कोई अफसर पूछने के लिए आ ही नहीं रहे हैं। जो कि अफसर को दायित्व बनता है यहाँ पर आने का, और रोड जरा बन रहा है, रोड ढलाई होगी, फिर बाद में गवर्नमेंट के कितना नुकसान होगा। गवर्नमेंट के क्या, हम लोग पब्लिक है, हम ही लोग का पैसे से रोड बनता है, तो ये हम ही लोग का नुकसान होगा। बाद में ये कनेक्शन करेंगे, कब करेंगे नहीं करेंगे, ये इसका भी कोई पता नहीं है। मतलब साल करीब कॉलोनी के बना हुआ हो गया, आज तक पीने के पानी उपलब्ध नहीं है। बात है, हम लोग के सामने कॉरपोरेशन ऑफिस आना पड़ता है, और सरकारों के पीछे धरना लगाना पड़ता है, अफसरों के पास जाना पड़ता है। साहब तो बोले हैं, मज हम उनको जरिए, मैंने एक एप्लीकेशन के जरिए मैं सूचित भी करने आया हूँ। यदि ना होता है तो ऐसे तो SDO साहब हम लोग का कई बार आश्वासन दिए हैं तो काम हुआ है। अब उसी उम्मीद पर हमने इनको पास आए हैं, यदि आगे देख लेते हैं, यदि नहीं हुआ तो फिर हम लोग सोमवार के दिन, आज तो मिले नहीं हैं, सोमवार के दिन फिर आएंगे हैं SDO साहब के पास, एक बार मिल के देखेंगे। नहीं होगा तो फिर हम लोग अपना जो हमारे संविधान का अधिकार है पब्लिक मुल का, वो हमने अपना यूज करेंगे और बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे, अफसर के घेराव करेंगे।